कार्तिक मास में हर दिन का विशेष महत्व होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष पुण्य फलदायी मानी जाती है। तुलसी जी का पौधा घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का स्रोत माना गया है। क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता? इसके पीछे गहरे धार्मिक कारण हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता को भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम की पत्नी माना गया है। एक विशेष कथा है जिसमें भगवान विष्णु ने तुलसी माता को आशीर्वाद दिया था कि जिस पूजन में उनकी उपस्थिति नहीं होगी वह पूजन अधूरा माना जाएगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु की आराधना और ध्यान में लीन होती हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि तुलसी का ध्यान भंग करने से पुण्य फल नहीं मिलता। सिर्फ रविवार ही नहीं, एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी को तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए इस दिन भी तुलसी को प्रणाम मात्र करना चाहिए। कार्तिक मास में रोज सुबह तुलसी जी को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि रविवार को ऐसा न करें। इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। मान्यता है कि तुलसी पूजन से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी पूजन करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से पुण्य मिलता है, जैसे कि ओम सुभद्राय नमन मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, या फिर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी अधिक व्याधिहर नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में सिंदूर फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी आरती और तुलसी स्तोत्र पाठ करें। इस विधि से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दिवाली के शुभ अवसर पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं। दीपावली पर तुलसी जी के पास दीपक जलाने से जीवन में उजाला और समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि तुलसी जी को जल चढ़ाने से पहले कुछ खाया न हो और स्नान किए बिना जल न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते सूर्योदय से पहले ही अर्पित किए जाएं। कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करने से विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा के इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी माता की पूजा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल मार्ग है। इस पवित्र पौधे की महिमा को बनाए रखें और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं।